नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज के राशिफल की। और सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, आज 5 मई 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन सी वो कमोडिटीज हैं, कौन सी नॉन एग्रो कमोडिटीज हैं जहां पर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं और कौन सी राशियों का आज भाग्य बुलंद है। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि तत्व की राशियां। गौरतलब है कि भारतीय ज्योतिष में माफ कीजिएगा 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती है 3 राशियां, 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु राशि आज निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, कंफ्यूजन कर लू ना कर लू, पूछ लू देख लू, इस तरह की मानसिक स्थिति रह सकती है। विशेष ख्याल रखिए 2, 6, 10 यानी यह है पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि। दिन आपके लिए आज मुफीद है, शानदार है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। गौरतलब है कि वृषभ, कन्या और मकर राशि हमेशा जब ये अपने चरम स्तर पर होती हैं तो इनको रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, और 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यह है जल तत्व की राशियां। यहाँ जल तत्व की राशियों को आज अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, बड़े सौदों से एक बार पुनः विचार करना चाहिए, देखभाल कर ही काम करें तो बेहतर है क्योंकि सितारे संभवतः आपको अनुकूल रिजल्ट नहीं दें। तो ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि हमने अपने पिछले शो में आपको कुछ एग्रो कम्युनिटीज की चर्चा की थी, स्टॉक्स के ऊपर चर्चा की थी और नॉन एग्रो कम्युनिटीज की चर्चा की थी, सभी ने जबरदस्त मुनाफा दर्शकों को कमा के दिया, उम्मीद है दर्शक इसको पसंद कर रहे होंगे। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, ये से कर्नल जी बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो एग्री कम्युनिटीज में आज बिनौला खल कपास खली में आपको क्या लगता है? फंडामेंटल्स तो मजबूती वाले हैं लेकिन तब भी देख रहे हैं बिनौला खल तेजी की ओर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में अब बिनौला खल में क्या करके चला जाए और कैसा बाजार रहेगा? देखिए, बिनौला खल कपास खली के अंदर हमने आपको पहले भी ये अपडेट दिया था कि कपास खली का कोई सब्स्टिट्यूट, चाहे हम सरसों खली या मूंगफली खली या बाकी ऑयल सीड्स की खली मान लें, लेकिन बिनौला खली का कोई भी सब्स्टिट्यूट वास्तव में होता नहीं है क्योंकि पशु कपास खली को जितना चाव से खाते हैं, जितना उसको पसंद करके खाते हैं, वो बाकी दूसरी खलियों में ऐसा होता नहीं है। तो और गौरतलब है कि कपास खली के अंदर जब तक बहुत ज्यादा दाम ना हो, जब तक किसान और या पशुपालक भी, डेयरी फार्मिंग वाले भी ये कपास खली को ही लेना पसंद करते हैं। अब ये विशेष ये ध्यान देने वाली बात यह है कि कपास खली के हाजिर के बाजारों के अंदर भाव गिरे नहीं है, जबकि NCDX पे लगातार कपास खली के भाव में उतार चढ़ाव चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 3 से 4 दिन पहले जब कपास खली में बड़ी गिरावट आई थी 3-4 दिन और काफी अफरा तफरी का माहौल था, आपने यही सवाल पूछा था, उस वक्त भी हमने दर्शकों को यही कहा था कि देखिए फंडामेंटल को समझें, व्यापार की स्थिति को समझें और जो वास्तव में ग्राउंड रियलिटी है उसको समझें, उसके आधार पर आप व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता आपको अधिक मिलने की संभावना रहेगी। और यदि आप खाली तेजी मंदी को ध्यान में रख के अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करेंगे, लगातार यदि आपकी ताकत की है 20 टन का काम करेंगे, 500 टन, 400 टन, 200 टन, तो देखिए जब आप बड़ा कम पूंजी लगा के बहुत बड़ा मुनाफा कमाने की सोचते हैं तो कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः कपास खली के अंदर मुझे कोई मंदी नजर, पहले भी मैंने यही कहा था कि मुझे मंदी नजर नहीं आ रही है। और ये भी गौरतलब है कि अप्रैल महीने के अंदर और मई के फर्स्ट वीक के अंदर कॉटन के जो भाव हैं कपास के, वो आसमान छू रहे हैं और भारत सरकार ने भी कॉटन के निर्यात के ऊपर भी रोक लगाने की बात कही है, इंपोर्ट करने की बात कही है, उसको सबको देखते हुए कॉटन में जब तेजी है तो निश्चित रूप से बिनौला बहुत तेजी से गिरने की संभावना कम है, और जब बिनौला नहीं गिरेगा तो कपास खली में कैसे गिरावट आएगी ये मेरी समझ के बाहर है। तो मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर तेजी रहनी चाहिए और इसके अंदर हैरान परेशान घबराने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, यहीं से कर्नल जी बात करें अगर ग्वार के बाजार की, तो हमने ग्वार में भी हल्की सी करेक्शन बनते हुए देखी है, ग्वार का बाजार में अब कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक?
देखिए एस्ट्रो फाइनेंस और फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं तो गवार्ड सीट के अंदर अच्छी मूवमेंट बनी, लगभग 6500 से ऊपर के स्तर गवार में दिखाए और उसके बाद में फिर एक गिरावट आई और दो तीन दिन के अंदर गवार के अंदर तेजी से नीचे के भाव बने, तो इससे निश्चित रूप से वही सत्य सामने नजर आता है कि जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्षमताओं से अधिक काम करेगा तो उसको झटका सहना पड़ेगा। अक्सर होता यह है कि बहुत कम मार्जिन के ऊपर लोग जो कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो बड़े लालच की है कि सोच के साथ में वायदे बाजार के अंदर अपना सौदा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बैकिंग नहीं होती है और यही होता है कि इस बाजार में जिसके पास ज्यादा ताकत है वही रस्साकसी के खेल के अंदर दूसरे को खींच के ले जाता है, यानी बुल्स एंड बियर्स यानी मंजड़िया और तेजड़िया के खेल में जो भी कमजोर है वो दूसरे को खींच के ले जाता है। तो ये उतार चढ़ाव होगा, जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिसकी बल्लेबाजी मजबूत है वो बल्लेबाजी पे केंद्र करता है और उसके बाद में अभी उसके रन भी कम बनते हैं तो भी, लेकिन वो बल्लेबाजों की मदद से जीत लेता है। उसी प्रकार जो गवार सीट की जो खेल है, इस खेल के अंदर क्योंकि ये इसमें पूरा देश शामिल नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर शामिल है ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के कारोबारी या किसान, ये हरियाणा के कुछ और गुजरात और पंजाब के कुछ, ये जो चार पांच राज्य हैं इसमें सबसे ज्यादा इसके कारोबारी मिलते हैं। साथ साथ में देश के दूसरे हिस्से से भी कुछ जो राजस्थानी या गुजराती हैं वो दूसरे हिस्से में हैं, वो भी इसमें रुचि रखते हैं। तो लेकिन कुल मिला के इसमें मकसद यही है कि गवार सीट के अंदर क्षमता, यदि आपकी क्षमता 50 टन की है तो आप 40 और 30 टन में काम कर लें और उसको धैर्य से रखें तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सबब कम मिलेगा। और यदि क्षमता आपकी 20 टन है और आपने 100 टन माल ले लिया या 50 टन ले लिया या 1000 टन ले लिया या जो भी अपनी क्षमताओं से अधिक काम करेगा उसको गवार सीर और गवार गम बख्शेगा नहीं, ये निश्चित है। और ये मेरा पिछला 15-20 साल का अनुभव भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अपनी क्षमताओं से कम काम करें आप जीत जाओगे, क्षमताओं से अधिक काम करोगे आप फिसल जाओगे, इसमें कोई आपको नहीं बचा सकता। कि कुल मिला के गवार सीट में मजबूती दिखाई दे रही है जी। अखिलेश जी, जी कर्नल जी, यही से कर्नल जी, मसालों में क्या लगता है आपको? सुनने में आ रहा है कि जो जीरा है, जीरे का जो रकबा है काफी कम है और एक्सपोर्ट भी ऊपरी स्तर पर कम ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जीरे का ओवरऑल बाजार कैसा रह सकता है? देखिए जीरा जो है एनसीडीएस के ऊपर 21,000 से ऊपर का चल रहा है, 21,500 से ऊपर का है, कल 21,600 से ऊपर के भी इसके भाव थे। तो जीरे के अंदर राजस्थान और गुजरात जो जीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं, यहाँ पर 20 से 30% तक की कमी जीरे के उत्पादन में की सूचना मिल रही है। तो उसके अंदर एक तो रकबा कम है, गुजरात में इस बार बहुत कम जीरे की बिजाई हुई थी, साथ साथ में राजस्थान के अंदर भी जीरे की बिजाई कम की सूचना है। तो कुल मिला के यदि एवरेज निकालें तो 25 से 30% की इसकी इसके अंदर कम बिजाई या कम उत्पादन है। ये इस वजह से भी हुआ कि जीरे में पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ी तेजी आई नहीं, इसकी वजह से किसान और कारोबारियों का मोह जीरे से भंग हुआ और किसानों ने इस बार गुजरात के अंदर इसकी बिजाई बहुत कम की और कुछ आंशिक असर इसका राजस्थान पे भी पड़ा। तो इसका असर ये निकला कि जीरे की पैदावार कम हुई और जो इसका अच्छा जो नॉर्मल स्टॉक एक्सपोर्ट भी है वो भी अब धीरे धीरे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरे के फंडामेंटल कमजोर नहीं है और इसके अंदर इंटरडे के अंदर तेजी की संभावना अधिक नजर आती है जी। अखिलेश जी, जी कन्हैया जी, ये से कन्हैया जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन जीएम सोयामील का आयात करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, 5.5 लाख टन पोल्ट्री उद्योग को मंजूरी दी गई है जो पिछले साल की बची हुई थी। कन्हैया जी, अब देख रहे हैं कि सोयाबीन की बुआई का सीजन भी नज़दीक है और अब ऐसे में जब किसानों को अब जाकर कुछ भाव सुधर कर मिलने शुरू हुए हैं तब इस दौरान आयात की मंजूरी दे देना, और इसका लेकिन सोपा ने विरोध भी किया है और सोपा ने यह भी कहा है सरकार से अपने पत्र में कि जब सरकार जीएम मॉडिफाइड उत्पाद को खेती ही नहीं करने देती, अलाउड ही नहीं करती, तो इसका जो खल है उसका इंपोर्ट करके क्या फायदा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट इसके रूप में अपना मत देना चाहूंगा
कि आपको याद होगा जो पिछली बार जब सरकार ने सोयाबीन के वायदे पर रोक लगाई थी और रिफाइंड तेल के वायदे पर रोक लगाई थी आयात की अनुमति, उस वक्त भी हमने यही कहा था देखिए कि आयात की अनुमति देना ये एक परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं है, क्योंकि भारत देश लगभग 60% के आसपास का खाद्य तेलों का आयात करता है। जब खाद्य तेलों का आपका जितनी आपकी पैदावार है उससे अधिक आप आयात करते हो, तो ऐसी दशा के अंदर आपको पहला आपका ये होना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी राशि, छोटी मोटी राशि देखिए यदि आप नॉमिनेट करते हो तो वो ऊंट के मुंह में जीरा होगी। सबसे पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए खाली प्रयास या उसके अंदर पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। यदि किसानों को सोयाबीन के दाम अच्छे मिलेंगे तो किसान निश्चित मानेगी वो अपना पैदावार बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, और उसमें यदि सरकार थोड़ा सा तकनीकी रूप से उनको पैसा प्रोत्साहन दे दे तो निश्चित रूप से किसान इसके ऊपर टूट के पड़ेंगे, इसमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसानों को पैसा मिलने का समय होता है उस वक्त यदि आयात खुलता है या इम्पोर्ट ड्यूटी घटती है या हटाई जाती है तो उसका असर किसानों की आमदनी पे पड़ता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब, लेकिन उसके अंदर दूसरा बिंदु ये भी है कि जब खाद्य तेलों के दाम आकाश छुएंगे और आम उपभोक्ता को उसके लिए परेशानियां होगी, ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहता कि है ना उसके अंदर वो कुछ ऐसे रोक लगाए। लेकिन होता यह है कि सरकार के प्रयासों का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता, जो खाद्य तेल के जो रियल उपभोक्ता है, जो आम आप और हम जैसे लोग हैं जो खरीदते हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिलता। और ये होता है कि एमआरपी के जो दाम हैं वो जब सोयाबीन के दाम घटते हैं तो उस घटे हुए दाम के अनुरूप जो खाद्य तेल है उनके दाम नहीं घटते, और नहीं घटने की वजह यह है कि महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका आरबीआई गवर्नर ने भी कल इस चीज का खुलासा किया था और 40 बेसिक पॉइंट उन्होंने जो बढ़ोतरी की है सीआरआर में वो इसी वजह से की है। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा यही सजेशन रहेगा आपके माध्यम से सरकार को भी और सोया उत्पादकों को भी कि इसमें बहुत बड़ी संभावना है, हमारा देश बहुत विशाल देश है, हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है, मीठा पानी है, इसमें किसानों को जब तक अच्छा लाभ नहीं मिलेगा वो किसी भी कीमत में उसकी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए सरसों के अंदर आप 85 लाख 90 लाख टन के मुकाबले 110 लाख टन 115 लाख टन की बात हो रही है, लेकिन किसानों को यदि उसका दाम नहीं मिला बढ़ावा, फरवरी के महीने में सरसों 8500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी, आज सरसों उससे भी काफी कम भावों में बिक रही है, जब किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो वो रुचि नहीं लेंगे, और ये नतीजा आपने देख लिया है जीरे में, ये नतीजा आपने देख लिया है गवार सीड में, ये सारे नतीजे आपने देख लिए हैं। तो सीधी चीज है कि किसानों को उसका लाभ दें, सब्सिडी दें, जो फायदा आप बाहर दे रहे हो उनको दें, तो धीरे धीरे हमारा आयात का बिल भी कम होगा, हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी, किसानों की आय भी दुगनी तिगनी होगी, तो निश्चित रूप से भारत खुशहाल होगा, यही मेरा कहना है। और खाली डीओसी आयात करने से या उससे करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी कटौती आप करोगे उससे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं वहां पर उतना ही दाम वो एडजस्ट कर देंगे, तो वही ढाक के तीन पात आप सारी रात चले लेकिन चले मुश्किल से आधा कोस, तो वही ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर परेशानियां हैं और उसका असर पाम ऑयल पे पड़ रहा है, पाम ऑयल बहुत प्रमुख खाद्य तेलों में से एक है, उसका असर सोया पे और बाकी ऑयल चीज पे पड़ने की पूरी संभावना है, ये मेरा कहना है। जी अखिलेश जी, जी कर्नल जी, जैसे कर्नल जी बात करें अगर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में हम देख रहे हैं कि सोने चांदी कीमतों में आज ठीक ठाक बढ़त है इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, उधर यूएस फेड ने भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है अपने इंटरेस्ट रेट्स में, तो अब ऐसे में आगे सोने चांदी का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए बुलियन के अंदर हमेशा से बुलियन के अंदर बाकी कमोडिटीज की तरह एक बीच बीच में झटके आते हैं, और उन झटकों के अंदर जो छोटे कारोबारी हैं या कमजोर कारोबारी हैं
या जिनके पास मार्जिन नहीं होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हैं, उनको वो बाजार से आउट हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी वही फार्मूला है कि यदि आप बुलियन में काम करना चाहते हैं, यदि फिजिकल में कर रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है कि जब आप एनसीएक्स में काम कर रहे हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग में कर रहे हैं, उस वक्त आपकी क्षमताओं को वो टेस्ट करता है और वो क्षमता जिसके पास नहीं है वो बाजार से आउट हो जाता है। और जो तो यही सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि बुलियन के अंदर, कल भी आपको याद होगा हमने कॉपर के अंदर यही कहा था कि ये बुलियन है और कॉपर है, ये निचले स्तर के ऊपर लगभग है, इन स्तर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, इसके अंदर तो इसके इन्वेस्ट किया जा सकता है और आने वाले कुछ समय के अंदर इसमें अच्छा मार्जिन बन सकता है। आज देखिए सोने एवं चांदी में तेजी नजर आई, लगभग सभी बेस मेटल चाहे वो कॉपर हो, लेड हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, इसके अंदर अच्छी तेजी बन रही है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का फलसफा है वो इसके अंदर बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। ये अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, ये सर कन्हैया जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो आज स्टॉक मार्केट कैसी देखने को मिल सकती है? देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर यदि हम देखें तो इसके अंदर फेड रेट और आरबीआई की जो ब्याज दर है वो बाजारों को काफी प्रभावित करती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। भारत के अंदर कल आरबीआई ने मिड सेशन में लगभग 2 बजे आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट की में बढ़ोतरी की जैसी सूचना दी, कल पूरा बाजार लाल हो गया, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, सारे शेयर बुरी तरह से पिटाई खाए, क्योंकि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि सीआरआर के अंदर रेट बढ़ना 40 बेसिक पॉइंट एक साथ, ये बिल्कुल निवेशकों को और मार्केट विशेषकों को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। साथ ही यदि आप फेड को देखो, वहां भी रेट बढ़े, लेकिन फेड ने लगातार बढ़ोतरी 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 का पिछला अलर्ट कई महीनों से दे रहा था वो, तो बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा था, लेकिन आरबीआई ने एकदम से चौंका दिया तो उसका असर लोगों में घबराहट फैली और उसके अंदर आपके सामने नतीजा है, क्योंकि इससे जितने भी लोन हैं, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो या कोई भी लोन हो, उन लोन्स के अंदर बेताशा, मतलब उसके अंदर ईएमआई उसकी बढ़ेगी, उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और आरबीआई का यही कहना है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उसको कंट्रोल और काबू करने के लिए ये ऐसे जो कदम है वो बाजारों को काबू करने के लिए संभवतः उपयोगी होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि कोई भी आप घोषणा कर रहे हैं उसका यदि प्री हिंट देते हैं तो धीरे धीरे मार्केट पचा लेता है, एकदम से देने से बाजारों में दिक्कत होता है और उससे हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। लेकिन आज आप देखें शेयर बाजार के अंदर, आपको पिछले हमारे शो में आपने सुना होगा हमने कोल इंडिया के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर चर्चा की थी, वो कल वो मूवमेंट में लगातार अच्छी चल रही है, आज भी उसके अंदर मूवमेंट अच्छा है, क्योंकि कोल इंडिया को में कॉल देने का हमारा मकसद यह था कि कोकिंग कोल की डिमांड अच्छी बन रही है और ये पूरे विश्व में कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर कोल इंडिया के अंदर साथ साथ जीएनबीसी जैसे स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है और उसके अंदर तेजी से मुनाफा बढ़ सकता है। जीएनबीसी ने अपने जो क्वार्टरली और मतलब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं वो भी बहुत शानदार दिए हैं, तो उसको देखते हुए ये शेयर हमने आपसे चर्चा की थी। अब हाउसिंग लोन के अंदर यदि जैसे रेट बढ़े हैं तो संभवतः जिनकी ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर ईएमआई ले रखी है, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन वगैरह जिनकी, उसमें लोन ये ईएमआई ये इंटरेस्ट रेट से उन तो उनके ऊपर आंशिक प्रभाव पड़ेगा, तो ये हाउसिंग की जो कंपनियां हैं उसके अंदर तेजी आने की संभावना है। तो कुल मिला के मेटल, हाउसिंग और कोल माइनिंग कंपनियों के अंदर तेजी की संभावना आज बनी रह सकती है। एक और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, एग्रो कमोडिटीज हो या फिर करेंसी बाजार, इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपका निवेश करने की क्षमता, यदि उस क्षमताओं को आधार पर आप निवेश कर रहे हैं मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन यदि क्षमताओं से बढ़ के काम किया
तो महीने दो महीने तीन महीने में एक बार झटका जरूर आता है, साल में दो से तीन बार झटके आते हैं। उन झटकों के अंदर जो छोटे कारोबारी होती हैं, शिखर या क्षमता से अधिक काम करते हैं, उनको नुकसान होता है और वो बाजारों से हट जाते हैं। यही और प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अपने पर संयम रखें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रखें, साथ साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ख्याल रखें, तो आप लंबे समय तक इस बाजारों में टिके रहेंगे, बने रहेंगे। और डिस्क्लेमर भी, ये सभी जानकारियां आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल की ना मार्केट विशेषज्ञ की होगी, ये प्लीज आप नोट करके रखें। जी अखिलेश जी। जी कनलेश जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज आपका राशि। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।